बीकानेर संभाग कई मायनों से विकास के वो आयाम ना छू सका जिसका वो हकदार था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के साथ साथ न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बल्कि पर्यटन में भी अपार संभावनाएं लिए हुए हैं। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले इस संभाग के चारों जिलों के लोग बजट से खासी आस लगाकर बैठे हैं। उम्मीद है कि इस बार का बजट उनकी सालों पुरानी समस्याओं के कुछ हल तो जरूर लेकर आएगा। देखिए बीकानेर संभाग से लक्ष्मण राघव की ये रिपोर्ट। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाके के चार जिलों को समेटे बीकानेर संभाग को गहलोत सरकार ने 3 मंत्रियों और 12 राजनीतिक नियुक्तियों से नवाजा है। ऐसे में इस बजट से उनकी आशाएं हिलोरे मार रही है। जिलेवार लोगों की क्या उम्मीदें हैं और क्या है मुख्य समस्याएं, आइए डालते हैं एक नजर। बजट से बीकानेर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बीकानेर शहर के लोगों को रेल फाटक की समस्या से निजात का काफी सालों से इंतजार है। बीकानेर का श्रमिक हब के तौर पर विकास हो, कृषि पर आधारित MSME सेक्टर का विकास हो, साथ ही टूरिज्म को लेकर भी काफी संभावनाएं हैं। अनस्किल्ड युवाओं के लिए KPOs और BPOs का सृजन हो, ड्राईपोर्ट की मांग पूरी की जाए, IGNP के जीर्णोद्धार, रख रखाव के लिए CM से बजट मिलने की उम्मीद है। कोलायत में सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नए GSS की उम्मीद है। बीकानेर पश्चिम में शिक्षा के क्षेत्र में विकास होने की उम्मीद है। बजट से श्रीगंगानगर के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। लोगों ने फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की मांग की। पंजाब से आने वाले दूषित पानी की समस्या से निजात के लिए बजट से उम्मीद है। श्रीगंगानगर में पानी चोरी रोकना, पुलिस चौकी बनाना, मनरेगा में 100 दिन रोजगार की मांग की, नशा मुक्ति केंद्र बनाने की घोषणा का भी लोगों को इंतजार है। वहीं चूरू के लोगों को भी आने वाले बजट का बेसब्री से इंतजार है। तारानगर और सरदार शहर में नहर विस्तार और ताल छापर अभ्यारण की मांग है। तहसील मुख्यालयों पर अस्पतालों का विस्तार, सोलर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स बनाने की मांग है। हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने की मांग है। लोगों ने सुजानगढ़ में टाउन हॉल, सादुलपुर में कबड्डी एकेडमी की मांग की। भानीपुरा को तहसील और ददरेवा को उप तहसील बनाने की घोषणा का लोगों को इंतजार है। हनुमानगढ़ के लोग भी बजट से काफी आस लगाए हुए हैं। हनुमानगढ़ में एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क और स्पोर्ट सुविधाएं विकसित करने की मांग प्रमुख है। लोगों ने न्यूरो सर्जरी की व्यवस्था, मुख्यालय पर टाउन हॉल और भादरा में एक्सियन कार्यालय की मांग की है। 2 साल बाद राजस्थान में चुनाव है, ऐसे में बजट की घोषणाएं और उनका क्रियान्वयन बहुत कुछ तय करेगा। किसान बाहुल्य वाले संभाग बीकानेर के चारों जिलों को इस बजट से खासी उम्मीदें हैं और जिस तरह से राजनीतिक प्रतिनिधित्व इस संभाग को मिला हुआ है, ऐसे में लग रहा है कि इस बार यहाँ के नुमाइंदे बजट में बहुत कुछ लेकर आएंगे। किसानों को आस है कि ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसी चीज़ों पर फोकस होगा जो सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। तो वहीं लोग ये भी चाहते हैं कि इस संभाग में इंडस्ट्री को लेकर पिछड़ापन रहा है, उसको लेकर कोई बातचीत हो। तो वहीं बीकानेर की वही समस्या है जो सालों से मुंह बाए खड़ी है और वो है रेलवे फाटकों की समस्या से निजात कैसे भी मिले। डॉक्टर BD कल्ला इसको चुनावी मुद्दा बनाते रहे हैं। इस बार वे मंत्री हैं, उम्मीद की जा रही है शायद इस बजट में कुछ ऐसा हो। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान के बजट से बीकानेर के संभाग के लोग इस बार खासी उम्मीद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।